नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं भेड़िया सीरीज़ की एक और धमाकेदार कॉमिक्स, भूरा बिल्ला। यूरोप महाद्वीप के देशों के अंडरवर्ल्ड का किंग, जिसने वहां पर दहशत फैला रखी है लोगों के दिलों में, और कहते हैं कि उसके आगमन की सूचना पाकर पुलिस भी कन्नी काट कर निकल जाती है। एक सिपाही बोला, उधर फायरिंग हो रही है रॉबर्ट। रॉबर्ट ने कहा, होने दो भाई, अभी तुम नए आए हो, यह बीबी गैंग के आदमी हैं। एक व्यक्ति ने कहा, मैं बीबी फोर्स का गार्ड हूँ। सिपाही बोला, ठीक है जाओ, लेकिन हमारे सामने अपराध मत करा करो। इसी भूरा बिल्ला की शय पाकर काला बच्चा ने भेड़िया की मूल्यवान मूर्ति को उठाने का जोखिम उठाया, क्योंकि वो था भूरा बिल्ला का छोटा भाई, और काला बच्चा अंत में भेड़िया द्वारा ही मारा गया भूरा बिल्ला के अड्डे पर। मॉर्ली ने कहा, बॉस आपके लिए भारत से एक बुरी खबर है। भूरा बिल्ला बोला, क्या मॉर्ली? मॉर्ली ने कहा, बॉस वो आपका। भूरा बिल्ला बोला, बोलो जल्दी, इस तरह अटक क्यों रहे हो? मॉर्ली ने कहा, बॉस खबर ही ऐसी है। झट से उठ खड़ा हुआ भूरा बिल्ला बौखलाहट में और बोला, बोलो मॉर्ली, नहीं तो यह तुम्हारे मुंह में आर पार कर दूंगा। मॉर्ली ने कहा, जी जी, वो आपका छोटा भाई काला बच्चा एक भेड़िया द्वारा मारा गया। भूरा बिल्ला ने कहा, क्या? एक छोटा सा भेड़िया मेरे भाई की जान नहीं ले सकता, वह तो खुश शेर था, संसार का सर्वोत्तम शिकारी था वो। गार्ड, वायरलेस ऑपरेटर को बुलाओ जल्दी। गार्ड ने कहा, जी बॉस। कांपते कदमों के साथ कुछ ही देर में ऑपरेटर भूरा बिल्ला के सामने था। भूरा बिल्ला ने कहा, ऑपरेटर भारत से क्या मैसेज आया है, ठीक ठीक बताओ। ऑपरेटर ने कहा, जी बॉस, वहां से हमें सूचना मिली है कि किसी भेड़िया नाम के आदमी ने, या शायद किसी भेड़िया ने आपके भाई का कत्ल कर दिया है। भूरा बिल्ला ने कहा, तुम्हारा दिमाग तो नहीं फिर गया ऑपरेटर? ऑपरेटर ने कहा, जी बॉस, हमें तो यही सूचना मिली है। भूरा बिल्ला बोला, भारत कॉन्टैक्ट करो, कहीं भेड़िया जैसा आदमी भी हो सकता है, मूर्ख हो तुम सब लोग, जाओ जल्दी कॉन्टैक्ट करो। जल्द ही संपर्क स्थापित हो गया आसाम के बीच स्थित काला बच्चा निवास पर। ऑपरेटर ने कहा, जी बॉस ओवर, मैं गुरंग बोल रहा हूँ। हमारे को मिली सूचना के अनुसार यह सही है कि साहब को भेड़िया नाम के आदमी ने मारा है। भूरा बिल्ला ने कहा, तुम दोबारा ठीक से छानबीन करो, और ये भेड़िया जो कोई भी हो उसे जल्द से जल्द पकड़ो जिंदा। मैं वहाँ आ रहा हूँ, फिर मैं देखूंगा कि उसने यूरोप के अंडरवर्ल्ड किंग के भाई को कैसे मारा। गुरंग ने कहा, ओके बॉस ओवर, हम बराबर तलाश करने में लगे हैं। भूरा बिल्ला बोला, गार्ड फिलिप्स को बुलाओ, हम आज ही भारत जाएंगे, और तुम हमारे जाने का इंतजाम करो क्विक, हम जल्द से जल्द उस भेड़िया से मिलना चाहते हैं। फिलिप्स भूरा बिल्ला का दायां हाथ। कुछ ही क्षणों पश्चात बीबी गैंग का पर्सनल विमान रनवे पर उड़ने के लिए तैयार खड़ा था। भूरा बिल्ला ने कहा, कम ऑन मूव क्विक। आकाश की ओर उठता चला गया बीबी का विमान, और घंटों के सफर के बाद जाकर उतरा आसाम में काले बच्चे के स्टेट के निजी रनवे पर। वहां पहुंचकर विमान से बाहर कदम रखते ही भूरा बिल्ला ने पकड़ ली गुरंग की गर्दन और बोला, तुमने भेड़िया को तो शायद ढूंढ लिया होगा। गुरंग ने कहा, नहीं बॉस। भूरा बिल्ला बोला, तो फिर क्या किया इतनी देर? अपने छोटे भाई की मौत के कारण बौखला रहा था भूरा बिल्ला, क्योंकि इतने बड़े गैंगस्टर का भाई होने के बावजूद उसका भाई एक साधारण से भेड़िया से मर गया। लेकिन वो यह नहीं जानता था कि भेड़िया कोई साधारण भेड़िया नहीं है। केबी स्टेट के कैप्टन से पूछताछ शुरू हुई। भूरा बिल्ला ने कहा, जल्दी बताओ, तुम्हारे होते हुए मेरा भाई कैसे मारा गया? क्या मैं इसलिए तुम्हें खाने को देता हूँ? कैप्टन ने कहा, नहीं बॉस। भूरा बिल्ला बोला, तो फिर? और विस्तार पूर्वक बताता चला गया कैप्टन भूरा बिल्ला को सारी घटना। भूरा बिल्ला ने कहा, और तुमने अभी तक मुझे सूचित क्यों नहीं किया? कैप्टन ने कहा, क्योंकि बॉस हम सारी जानकारी अब इकट्ठी कर पाए हैं, हमने छोटे बॉस की बहुत खोज कर ली लेकिन कहीं भी पता न चला। भूरा बिल्ला ने कहा, ठीक है, और ये भेड़िया कौन है और तुमने अभी तक उसे पकड़ा क्यों नहीं? कैप्टन ने कहा, भेड़िया एक अजीब सा प्राणी है बॉस, हमने उसकी एक फिल्म बनाई है, वह हमारे हाथ ही नहीं लग पाया, कई बार कोशिश की लेकिन बेकार। अगले पल भेड़िया के बारे में जानकारी इकट्ठी कर रहा था भूरा बिल्ला। कैप्टन ने कहा, इस पुराने किले में वह रहता है बॉस, और इस फूजो नाम के व्यक्ति से मिलता है तथा उसके पास आता जाता रहता है। भूरा बिल्ला ने कहा, भेड़िया दिखाओ मुझे। कैप्टन ने कहा, ये है भेड़िया बॉस, बहुत मुश्किलों से हम इसको ढूंढ पाए हैं। अगले ही दिन बीबी फोर्स भेड़िया की खोज में लग गई। एक एक गार्ड के दिमाग में घूम रहे थे भूरा बिल्ला के शब्द, भेड़िया को ढूंढ कर लाओ, नहीं तो तुम्हारे सारे शरीर में सुइयां भर दूंगा। उधर फिलिप्स भेड़िया का इतिहास पढ़ने में लगा था, जो काला बच्चा ने इकट्ठा कर रखा था, और इधर भूरा बिल्ला घंटों से वायरलेस सेट के पास बैठा भेड़िया के मिलने की सूचना का इंतजार कर रहा था।
पूरी हिम्मत के साथ बेबी फोर्स के गार्ड लगे हुए थे भेड़िया को खोजने में। एक गार्ड ने कहा, नहीं बॉस, अभी हमें कुछ दिखाई नहीं दिया। फोर्स 3 ओवर। फोर्स 1 से लेकर फोर्स 15 तक यही हाल था। बैठा बैठा उबल रहा था भूरा बिल्ला। वह बोला, खोजो उसे जल्दी, नहीं तो किसी को नहीं छोड़ूंगा। हैरान थे सब कि भेड़िया को जमीन निगल गई या आसमान खा गया। आखिर सफलता मिल ही गई बेबी फोर्स को। एक गार्ड ने कहा, फोर्स 7 हियर, भेड़िया हमारे सामने है। भूरा बिल्ला बोला, उसे जिंदा पकड़कर हमारे सामने पेश करो जल्दी। सारी फोर्स बुला ली गई जंगल के उस हिस्से में। गार्ड ने कहा, डोंट मूव भेड़िया, वरना हम गोली मार देंगे। घूम गया भेड़िया का दिमाग गार्ड के शब्दों पर। अगले ही पल पलट पड़ा भेड़िया। बहुत से लोग वह भाषा समझते थे, लेकिन भेड़िया नहीं। सजा दिया उसका मुंह लाल रंग से भेड़िया ने। फिर तो वह उस पूरी फोर्स 7 के गार्डों पर पिल पड़ा। बारी बारी सुजाता चला गया भेड़िया सबके चेहरे। कुछ ही क्षणों में सारी फोर्स नाकाम बना दी भेड़िया ने, और दूसरी तरफ वह जगह पूरी बीबी फोर्स से घिर चुकी थी। एक गार्ड ने कहा, फोर्स 2 हियर, भेड़िया ने हमारी फोर्स 7 को बेहोश कर दिया है भूरा बिल्ला। भूरा बिल्ला बोला, व्हाट, उसे सारे कवर कर लो और कोशिश करो जिंदा नहीं तो बेहोश करके मेरे पास लाओ, मैं उसे अपने हाथों से मौत दूंगा। घेर लिया भेड़िया को बीबी फोर्स ने। भेड़िया ने सोचा, ओह, इन्होंने तो मुझे चारों ओर से घेर लिया है और ये संख्या में भी अधिक हैं, आखिर ये मुझसे क्या चाहते हैं। असमंजस में होने के बावजूद भी जूझ पड़ा भेड़िया उन सबसे, लेकिन इतने सारे गार्डों की बंदूकों के बीच भेड़िया अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा था। एक गार्ड ने कहा, दबोच लो इसको, छोड़ना नहीं। अपनी पूरी ताकत एकत्रित करके उछला वह, परंतु अगले ही पल डाल का सीना चीर दिया गोली ने और आ लगा भेड़िया जमीन के साथ। गार्ड ने कहा, हिलने की कोशिश नहीं करना भेड़िया, नहीं तो तुम्हारे सिर में सैकड़ों सुराख बना देंगे। भेड़िया ने उस गार्ड को कब्जे में लेने की सोची, लेकिन अगले ही पल बेहोशी के समुद्र में गोते लगा रहा था भेड़िया। बेहोश करने के लिए ही मारी थी वह गोली। गार्ड ने कहा, उठाकर ले चलो इसे। गार्ड बोला, फोर्स कमांडर हेयर, हमने भेड़िया को बेहोश करके अपने कब्जे में ले लिया है। भूरा बिल्ला ने कहा, गुड, मैं तुम सबसे बहुत खुश हुआ, अब जल्द से जल्द उसे यहाँ ले आओ। भूरा बिल्ला ने कहा, गुड जॉब बॉयज, आज तुमने हमेशा की तरह नामुमकिन काम को कर दिखाया। फिलिप्स बोला, इसलिए तो बॉस आप यूरोप में नंबर 1 हैं। भूरा बिल्ला ने कहा, राइट फिलिप्स, हम भेड़िया को पेरिस अपने अड्डे पर ले जाएंगे, उसे साथ ले जाने का इंतजाम करो जल्दी, क्विक। जल्दी ही भेड़िया को मोटे मोटे रस्सों से बांध दिया गया स्ट्रेचर पर और विमान के एक विशेष कक्ष में रख दिया गया। फिर उसको एक नींद का इंजेक्शन और देकर उस कक्ष के चारों ओर करंट प्रवाहित कर दिया गया। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।